इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे के बैठक के बारे में। दोस्तों, कल 20 अक्टूबर के दिन जो है बड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई है, उसके अंदर बहुत ही अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे के अब जो प्रोजेक्ट है, जो कि एक उत्तर प्रदेश के हमारे सीएम श्री आदित्यनाथ योगी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इस पर जो है बहुत ही तेज़ी से कार्य जो है शुरू हो गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बात बताता हूं कि सबसे पहले जो उपस्थित रहे हैं सबसे बड़े यूपीडीए के अधिकारी सतीश महाना जी है, जो कि औद्योगिक विकास मंत्री है। उसके बाद अवनीश कुमार अवस्थी है, जो कि यूपीडा के सीईओ है। इनके बीच में बैठक हुई है और बहुत सारे आल अधिकारी भी इसमें उपस्थित हुए हैं, और इस प्रोजेक्ट को लेकर जो है प्रेजेंटेशन भी इसमें दिखाई गई है। और इसके अंदर, इस बैठक के अंदर अहम फैसले लिए गए हैं कि जल्द से जल्द जो है इसका जो भी प्रस्ताव मैटर है, या कोई भी अकॉर्डिंग जो भी इसमें प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी कुछ आ रहा है, जल्द से जल्द जो है उसको समाप्त करके और जल्द से जल्द जो है इस पर कार्य शुरू कर दिया जाए। गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में भी बहुत सारी बातें हुई है कि गंगा एक्सप्रेसवे जो कि प्रयागराज से लेकर मेरठ तक बनना है, जो कि 594 किलोमीटर इसकी दूरी दर्शाई गई है। और मैं आपको बता दूं, गंगा एक्सप्रेसवे का जो प्रोजेक्टर पे जो फाइल दिखाई गई है, अब तक जो दिखाया गया जो 594 किलोमीटर है, जो कि बिजोली के समीप 16 पॉइंट से, मतलब जो पिलर लगा हुआ है गंगा एक्सप्रेसवे का, बिजोली के समीप जो गंगा एक्सप्रेसवे के समीप जो लगा हुआ है, वहाँ पर पिलर पर लिखा हुआ है 16 किलोमीटर। तो 16 मीटर है कि गंगा एक्सप्रेसवे से जहाँ पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वहाँ से मेरठ जो है 16 किलोमीटर दर्शाया गया है, और वहाँ पर 16 ही वहाँ दर्शा दिया गया, वहाँ लिख दिया गया है कि यहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे जो है स्टार्ट करा जाएगा। यही डॉक्यूमेंट्स में भी दर्शा दिया गया है, और प्रोजेक्ट के पीछे भी इसको दर्शा दिया गया है। अब गंगा एक्सप्रेसवे के जो प्रस्ताव है, जो अब फिलहाल जो है, जो कि अभी DPR अपलोड नहीं हुई है, और उम्मीद भी है कि हो सकता है कि आज कल में भी DPR अपलोड हो जाए। और जो सतीश महाना औद्योगिक विकास मंत्री है, उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा है कि जल्द से जल्द जो है जो भी इसका कार्य है वो संपूर्ण करने के बाद जो है कैबिनेट में इसको पास करा लिया जाए, उसके बाद में जो है भूमि अधिग्रहण का जो कार्य है वो भी शुरू कर दिया जाए। दोस्तों, उद्योग की बात करें तो इसके साथ साथ बहुत सारे उद्योग भी इस पर लगने हैं, इस गंगा एक्सप्रेसवे पर, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र भी इसको बनाना है, क्योंकि ये जिला मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, गढ़, मुक्तेश्वर और ये आसपास के क्षेत्र, दिल्ली, मेरठ, ये सारे क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो कि इस गंगा एक्सप्रेसवे के समीप जो उद्योग लगने से इसका विकास डेवलप होगा। और इसके साथ साथ जो है आपके ग्रीन फील्ड की भी बात कही गई है, जो सतीश महाना जी है उन्होंने ग्रीन फील्ड भी इसके साथ साथ, गंगा एक्सप्रेसवे के साथ साथ जो है आपका ग्रीन फील्ड भी तैयार किया जाएगा। और इस गंगा एक्सप्रेसवे की जो 594 किलोमीटर जो दर्शाया गया है, और आपका 6 लेन इसको बनाना है, और 8 लेन का इसको जो है बाद में फ्यूचर में इसको बना सकते हैं। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ियां इस एक्सप्रेसवे पर दौड़ेगी, और गंगा नदी है इस पर 960 मीटर का एक पुल ब्रिज बनाया जाएगा। उसके बाद गंगा नदी 720 मीटर का भी वहां पर भी एक ब्रिज बनाया जाएगा। उसके बाद सांझापुर के समीप हवाई पट्टी का भी इस पर जो है जिक्र किया गया है, जो कि हवाई पट्टी जो है बनाई जाएगी सांझापुर के आसपास, समथिंग जो है हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी, और 15 रैंप टोल प्लाजा भी इस पर तैयार किए जाएंगे, और एक्सप्रेसवे किनारे 9 जन सुविधा
जन सुविधा भी इस पर उपलब्ध कराई जाएगी और भूमि अधिग्रहण की जो होनी है 10,000 करोड़ रुपये जो है समथिंग इसके आसपास जो है खर्चा इनका भूमि अधिग्रहण में आ जाएगा। और 529 गांव इसके आसपास जो है विकसित होंगे, मतलब 529 गांव जो है इसके पास से विकसित किए जाएंगे जो कि गंगा एक्सप्रेसवे के पास आ रहे हैं। और 78 हेक्टेयर भूमि जो है इस पर ली जाएगी, 7,800 हेक्टेयर भूमि जो है इस गंगा एक्सप्रेसवे में जो कि मेरठ से प्रयागराज तक ली जानी है। और गंगा एक्सप्रेसवे के बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत हुई है और इसको क्योंकि दीपावली पर इसका शिलान्यास करना है योगी आदित्यनाथ जी को, तो इससे पहले पहले जो भी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया जो है वो सारी संपूर्ण कर ली जाए, जो डॉक्यूमेंट्री पर जो कार्य चल रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह पर कार्य चल रहा है, जो किसान के डॉक्यूमेंट पर कार्य चल रहा है और डिजिटल नक्शे वगैरह पे भी जो कार्य चल रहा है वो जो है कैबिनेट की मीटिंग होने से पहले पहले जो है सारे ही कार्य जो है संपूर्ण कर लिए जाएंगे। उसके बाद में इसको जो है इस प्रोजेक्ट को जो है हरी झंडी दे दी जाएगी। उसके बाद जो है आपकी जो है गजट इशू और नोटिस की प्रक्रिया जो है दीपावली से पहले पहले ये सारे कार्य जो है जो शुरू कर दिए जाएंगे। दोस्तों ये है कल की बैठक की जो बात मैंने बताई है आपको, और भी बहुत सारी चर्चा हुई है तो बहुत सारी चीज़ें भी आगे भी खुल के आ जाएगी, सामने निकल के आ जाएगी और किस किस मुद्दों पर बात हुई है वो भी हम आगे आपको बता देंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।